जिया खान, प्रत्युषा बैनर्जी, सुशांत सिंह राजपूत या फिर हो वैशाली ठक्कर, ये सारे ही कलाकार अपनी कलाकारी में निपुण थे, लेकिन न जाने क्यों मौत के पहले ही खुद को मौत के हवाले कर सुसाइड कर ली। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर की सुसाइड ने मानो लोगों को हिला कर रख दिया हो। एक ओर लोग वैशाली के माँ बाप के साथ संवेदना व्यक्त करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर लोग वैशाली के गुनहगारों को सजा की मांग भी कर रहे हैं। हाल ही में टीवी जगत के शक्तिमान कहे जाने वाले मुकेश खन्ना वैशाली की मौत पर गुस्सा जाहिर करते दिखे। मुकेश खन्ना की माने तो कम उम्र में एक्टर्स के सुसाइड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं कोई काम ना मिलने से हैरान परेशान है तो कई लोग अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर डिप्रेशन में जा रहे हैं। इन सबके बीच हौसले बुलंद रखने की उम्र में लोग मौत को गले लगा रहे हैं। मुकेश खन्ना ने टीवी एक्ट्रेस वैशाली की मौत पर हैरानी जताते हुए कहा कि कैसे एक हंसते मुस्कुराते चेहरे ने खुद ही अपनी जान ले ली। मुकेश खन्ना ने एक वीडियो साझा किया जिसमें वो वैशाली ठक्कर की सुसाइड की खबर पढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। मुकेश की माने तो कम उम्र के लोगों में आत्महत्याओं का दौर थम नहीं रहा। उनके मुताबिक आज के समाज में कटुता, कड़वाहट, स्वार्थ और छल इतना आ गया है कि जो लोग थोड़ा भी संवेदनशील होंगे वो बहुत ही मुश्किल से जिंदगी जी पाएंगे। मुकेश खन्ना के मुताबिक समाज में हर तरह के लोग होते हैं जिससे आपको डील करना पड़ता है, वहीं कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं तो कुछ बेहद संवेदनशील होते हैं, इतना संवेदनशील कि उन्हें छोटी छोटी बात भी बुरी लग जाती है। इस दौर में आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सी बात सामने वाले को अंदर तक हिला सकती है जिससे वो टूट जाता है। बावजूद इसके अगर कोई सुसाइड करता है तो आप समझ सकते हैं कि उसका दिमाग किस हद तक ये मान चुका होता है कि इस जिंदगी को यहीं पर फुल स्टॉप लगाना है और लाइफ को खत्म कर लेते हैं। इंडस्ट्री में लगातार हो रहे एक्टर्स के सुसाइड मामले में मुकेश खन्ना ने दुख जताया। उनके मुताबिक सालों से इंडस्ट्री में ये सब होता आ रहा है। ग्लैमर वर्ल्ड के पीछे लोगों की जिंदगी का सच कुछ और ही होता है। टीवी हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या कोई आम जन, सभी की जिंदगी में किसी न किसी प्रकार का टेंशन जरूर होता है, लेकिन जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए, गिरना चाहिए, उठना चाहिए, दौड़ना भी चाहिए, लेकिन गिव अप नहीं करना चाहिए। मुकेश खन्ना ने आगे बताया कि कुछ लोग काफी सेंसिटिव होते हैं, उनसे संभल कर रहना पड़ता है। वैशाली की उम्र ही क्या थी, सिर्फ 29 साल। वैशाली ने अभी जिंदगी शुरू भी नहीं की थी, ये कोई उम्र नहीं थी जाने का। वैशाली चली गई, इतनी अच्छी जिंदगी भगवान ने दी है, उसे खुलकर जीना चाहिए। एक इमोशनल झटके में आकर पंखे से खुद को लटका लेना कोई बहादुरी तो नहीं है। टीवी एक्ट्रेस वैशाली सेट पर सबको हंसाती थी, ऐसी लड़की कैसे सुसाइड कर ली, वैशाली को देखकर हर आदमी सोचता होगा ये कितनी खुश मिजाज लड़की है, लेकिन अंदर से तो ये बिल्कुल खोखली ही थी। इंडस्ट्री में पिछले 3 सालों में कई लोगों ने सुसाइड की है। लोग कुछ दिन हैरानी जताते हैं, शोक मनाते हैं, फिर कुछ नहीं करते। मुकेश खन्ना की माने तो इंडस्ट्री में सुसाइड का दौर तभी रुक सकता है जब लोग मदद के लिए आगे आए। लोगों को आगे बढ़कर एक बहुत ही बड़ी संस्था बनानी चाहिए जिसके अंदर मनोचिकित्सक को अपॉइंट करना चाहिए, जहां कोई भी एक्टर जो डिप्रेशन में हो या खुद को अकेला पाए वो वहां जाकर फ्री में अपना इलाज कराए, मन की बात करे, आप डॉक्टरों से मिलिए, 1-2 घंटे की बात सुसाइड के द्वार पर खड़े इंसान को बचा सकती है। इंडस्ट्री को इस बारे में सोचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।